अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीरियोलॉजी बाय अत्या शो। और अब हम इस वीडियो में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रूट 103 प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं, सही है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपने टॉपिक्स कम्प्लीट करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे टॉपिक्स हो गए थे 37, ठीक है। तो अब करते हैं 38 टॉपिक से। अरे बस लगा रहा है बहुत सारा टाइम है। हमारे 37 टॉपिक, हो गए हैं। ऐसा कि बस उसको मैं कंफर्म करूँ कि हमारे 37 टॉपिक्स हो गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप आप सब लोग आपकी बेसिकली तमाम जो टेक चल हमारे हो गए हैं जनाब 37 टॉपिक्स। और अब हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर 38। वहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। हाई वेट कैरेक्टर्स, सही हो गया। इसको चल लेते हैं आगे, यहाँ पर इसकी वीडियो सुन लेंगे। चलिए, In this module, we will discuss high weight characters. There is a list of characters which can be considered as a high weight character. For example, complexity, constancy, consistency, characters which are not affected by ecological shift, apomorphy, not a specific adaptation. Now, we will discuss one by one. First of all, विल डिस्कस कम्प्लेक्सिटी। ये ख्याल किया जाता है कि जो कम्प्लेक्स करेक्टर्स हैं, इनका फाइलोजेनेटिक कॉन्टेंट ज़्यादा होता है और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू वर्ड सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंसेक्ट्स के जेनिटेलिया की बात करें तो जेनिटेलिया एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक जो स्पीशीज है इंसेक्ट्स की, उसका जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है। और ये बहुत मुश्किल है कि एक स्पीशीज का जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है वो किसी दूसरी स्पीशीज के जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करे। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसकी वेटेज ज्यादा है और टैक्सोनॉमिकली ये जो करैक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस वजह से जब हम इंसेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर जो है इसको प्रेफर किया जाता है। इसी तरीके से कॉन्स्टेंसी, ये दूसरा एट्रीब्यूट है, दूसरा हाइब्रिड करैक्टर है। ऐसे करैक्टर्स जो कि कॉन्स्टेंट रहते हैं उनका वेटेज ज्यादा होता है उनके मुकाबले में ऐसे कैरेक्टर जो वेरिएबल है। अगर हम फेरिस के बारे में पढ़ें तो फेरिस ने 1969 के अंदर यह कहा कि ऐसे कैरेक्टर्स जो के लेस वेरिएबल हैं, जिसके अंदर वेरिएशन कम होती है, इनके अंदर क्योंकि फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज्यादा है, इस वजह से ऐसे करैक्टर्स हाई वेट करैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से ऐसे करैक्टर जो कि कंसिस्टेंटली किसी एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और किसी दूसरे ग्रुप के अंदर वो कंसिस्टेंटली एब्सेंट हैं, ऐसे करैक्टर हाई वेटेज करैक्टर कहलाते हैं। अब हम ऐसे करैक्टर्स की बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में चेंज नहीं होते। ऐसे करैक्टर्स जो इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में चेंज नहीं होते, ऐसे करैक्टर भी हाई वेट करैक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखा गया है कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो जब एक पार्टिकुलर हैबिटेट के अंदर मौजूद रहते हैं और वो एक पार्टिकुलर प्रे के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल फिश के ऊपर फीड करते हैं, जब उन को किसी नए हैबिटेट के अंदर
शिफ्ट किया जाता है, वो नए हैबिटेट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे भी वो अपनी फीडिंग हैबिट चेंज नहीं करते। अगर पहले हैबिटेट के अंदर वो फिश कंज्यूम कर रहे थे तो अब भी वो फिश कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इकोलॉजी की वजह से उनके हैबिट के अंदर फिश ईटिंग का जो बिहेवियर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है इकोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से उनके अंदर चेंज नहीं आया। ऐसे जो करेक्टर्स हैं ये हाई वेटेज करेक्टर्स कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने हाई वेटेज करेक्टर्स को स्टडी कर लिया है। हमारा अब रीडिंग का टाइम है, हम अपनी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है? सो ओपन हो रही है स्लाइड और अब हम इसे ओपन होने देते हैं। अब यह हो गई है ओपन। हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 38 हाई वेट कैरेक्टर्स, ठीक है? हाई वेट कैरेक्टर्स में कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्स्टेंसी, कंसिस्टेंसी नॉट अफेक्टेड बाई इकोलॉजिकल शिफ्ट, एपोमॉर्फी नॉट अ स्पेसिफिक अडॉप्टेशन, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी में, कॉम्प्लेक्सिटी जेनिटेलिया, उसके बाद डीप जेनेटिक कैरेक्टर, हायर कॉम्प्लेक्सिटी, हायर वेटेज, ठीक है? कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी में है कैरेक्टर विच इज कॉन्स्टेंट इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्पीशीज देन वेरिएबल कैरेक्टर, तो यहाँ पर है डार्विन 1859, ठीक है? उसके बाद अकॉर्डिंग टू फेरिस 1969 लो फेनोटाइपिक वेरिएबिलिटी बी गिवन हाई वेट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कंसिस्टेंसी, अ कैरेक्टर विच इज कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन वन ग्रुप एंड कंसिस्टेंटली एबसेंट इन रिलेटेड ग्रुप्स शुड हैव हाई वेट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है ये नॉट अफेक्टेड बाई इकोलॉजिकल शिफ्ट, अ कैरेक्टर दैट नो चेंज विद इकोलॉजी, दैट डज नॉट चेंज विद इकोलॉजी। उसके बाद फिर a bird feeding on fish in one habitat continues to feed on fish in another habitat, ठीक है? इसके एग्जाम्पल होगी, an example is adaptation of mergansers, ठीक है, for fish eating, ठीक है? उसके बाद अब एपोमॉर्फी, एपोमॉर्फी में a novel evolutionary trait is unique to a particular species and all its descendants and which can be used as a defining character for a species or group in phylogenetic terms, ठीक है? Hence the possession of feathers is unique to birds and defines all members of the class apes, ठीक है? हमारा ये टॉपिक हो गया कवर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 39 की तरफ, ठीक है? अब हम चल लेते हैं इसकी वीडियो की तरफ, आप वीडियो को अच्छे सुन लेंगे। In this module, we will discuss low weight characters. लो वेट करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लो वेट करैक्टर ऐसे करैक्टर्स हैं जिनकी जो कंट्रीब्यूशन है क्लासिफिकेशन के हवाले से वो बहुत कम होती है। टैक्सोनॉमिस्ट ऐसे करैक्टर्स को क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते या उनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये जो करैक्टर्स हैं इनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट कम होता है, ये जो करैक्टर्स हैं ये रिलायबल नहीं होते और ये करैक्टर पुअर इंडिकेटर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म्स के रिलेशनशिप के। इसी तरीके से जो लो वेट करैक्टर्स होते हैं ये हाईली वेरिएबल है। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने देखा था कि ऐसे करैक्टर जो के लेस वेरिएबल्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड क्लासिफिकेशन वो ज़्यादा होता है, और ऐसे करैक्टर्स जो कि हाईली वेरिएबल हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन में कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ हेयर्स हैं मैमल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। एक इंडिविजुअल के जो नंबर ऑफ हेयर्स हैं वो दूसरे
जो इंडिविजुअल्स हैं उसके हेयर से बहुत ज़्यादा फर्क हो सकते हैं, इवन उसको काउंट करना भी मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि हाईली वेरिएबल है, इस वजह से क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस करेक्टर को रिलायबल करेक्टर नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से अगर हम ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ आर्टरीज की बात करें तो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ आर्टरीज जो है ये ना सिर्फ एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वेरी करता है, बल्कि विद इन सेम इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट साइड का जो आर्टरीज का ब्रांचिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये जो करेक्टर है ये भी हाईली वेरिएबल करेक्टर है। इस वजह से ऐसे वेरिएबल करेक्टर्स जो है ये क्लासिफिकेशन के अंदर कम हेल्पफुल होते हैं, इस वजह से ये लो वेट करेक्टर्स हैं। इसी तरीके से ऐसे करेक्टर जो मोनोजेनिक हैं या ओलिगोजेनिक हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड आइडेंटिफिकेशन वो भी कम होता है। इसके साथ साथ जो रिग्रेसिव करेक्टर्स हैं यानी ऐसे करेक्टर्स जो वक्त के साथ साथ जिनके अंदर लॉस होता रहता है, रिडक्शन हो रही होती है, ऐसे करेक्टर्स भी लो वेट करेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ आईज, लॉस ऑफ विंग्स इन बर्ड्स, इसी तरीके से विंग वेन इंसेक्ट्स के अंदर उसके अंदर रिडक्शन होना, इसी तरीके से मैमल्स के जो टीथ हैं उसका लॉस होना या उसके अंदर रिडक्शन होना, इसी तरीके से जो सेगमेंटेड एनिमल्स हैं उसके सेगमेंट के अंदर लॉस होना, कि तमाम करेक्टर्स जो हैं लो वेट करेक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते, इस वजह से टैक्सोनॉमी के अंदर इनकी इम्पोर्टेंस कम है। अब ये जो लॉस है करेक्टर का इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, इनमें से एक रीज़न इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल केव के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं तो क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है उसकी वजह से जो है एनिमल्स की जो आईज हैं वो लॉस हो सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके हैबिटेट की वजह से उनके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स लॉस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर्स की उनको नए हैबिटेट के अंदर ज़रूरत नहीं रहती। जैसे अगर हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी गट के अंदर रहते हैं, बहुत सारे उनमें से ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये सारे रिड्यूस हो चुके होते हैं। तो ये वो करेक्टर हैं जो कि हाईली वेरिएबल हैं। तो ऐसे जो वेरिएबल करेक्टर्स हैं इनको रिलायबल करेक्टर्स नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि हाई वेट करेक्टर्स के अंदर मौजूद है, लो वेट करेक्टर्स के अंदर वो ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इनके अंदर वेरिएबिलिटी है, जबकि हाई वेट करेक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट थे, उनके अंदर वेरिएबिलिटी कम थी। इसी तरीके से ये कंसिस्टेंट नहीं होते, लो वेट करेक्टर्स जो है ये नॉट कंसिस्टेंट, लेकिन हाई वेट करेक्टर कंसिस्टेंट होते हैं। इसी तरीके से हमने ये देखा था कि जो हाई वेट करेक्टर्स हैं इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में उनके अंदर चेंज नहीं आता, लेकिन जो लो वेट करेक्टर्स हैं इकोलॉजी के अंदर शिफ्ट के साथ उनके अंदर चेंज आता है। इसी तरीके से जो हाई वेट करेक्टर थे उनके बारे में हमने ये पढ़ा कि वो हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो लो वेट करेक्टर्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं इनके फाइलोजेनेटिक कॉन्टेंट्स कम होते हैं, तो लो वेट करेक्टर्स की जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन वो बहुत कम होती है। रीडिंग की तरफ, ठीक है, रीडिंग में हमारे पास पीपीटीज, तो पीपीटीज को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, मतलब कि थोड़ी देर ही लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी पीपीटीज जो डाउनलोड हो चुकी हैं, अब इसको कर लेते हैं ओपन।
ठीक है। उसके बाद है वेरियस इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद साथ हमारे पास है रिग्रेसिव कैरेक्टर्स, लॉस ऑफ आइज, लॉस ऑफ विंग्स, विंग वेन्स इन इंसेक्ट्स, लॉस ऑफ टीथ इन मैमल्स, लॉस ऑफ सेगमेंट्स इन सेगमेंटेड मैमल्स, इन सेगमेंटेड एनिमल्स आर अननेचुरल, ठीक है। लॉस मे बी ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आई लॉस इन केव, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, पैरासाइटिक टेपवर्म्स, ठीक है, नैरो स्पेशलाइजेशन और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। और उसके बाद अब आवर नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट और चेंज विद इकोलॉजी, लेस कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इन टॉपिक दिस नंबर मॉड्यूल थर्टी वी विल नाइन डिस्कस लो वेट। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 39। हम इसके पहले वीडियो देख लेते हैं, नॉन जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। In this module, we will discuss different types of non-genetic variations. Basically, we divide the variation into two categories, genetic variations and non-genetic variations. So, there are different types of non-genetic variations which include individual variation in time, social variations, ecological variations, traumatic variations and post-mortem variations. Now we will discuss these variations one by one. So first of all, individual variation in time. Individual variation in time can be further divided into different types, like age variation, seasonal variation of individuals, seasonal variation of generation. So first of all, what is age variation? Agar hum mukhtalif organisms ke andar unki डिफरेंट लाइफ स्टेजेस की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं जो कि एक दूसरे से वाजे तौर पर डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर इमिच्योर लार्वल फॉर्म होती हैं और ये इमिच्योर लार्वल फॉर्म अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, जब उनके पास डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो लाइफ साइकिल के मुतालिक, तो वो इन डिफरेंट स्टेजेस को डिफरेंट स्पीशीज का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईल एंगुला एंगुला इसके बारे में बात करें, जो कि फिश है, इसकी जो लार्वल फॉर्म थी उसको, जो कि लेप्टोसिफेलस ब्रीवी रोस्ट्रस है, 1856 के अंदर इसको एक सेपरेट स्पीशीज कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये एक सेपरेट स्पीशीज नहीं है बल्कि ये एक लार्वल फॉर्म है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टैक्सोनॉमिस्ट था उसके पास डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी इसके लाइफ साइकिल के मुतालिक, और इनकी जो अर्ली स्टेज और अडल्ट स्टेज थी वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट थी, जिसकी बेस के ऊपर इनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर रखा गया। इसी तरीके से अगर हम बटरफ्लाई की अर्ली स्टेजेस, उसके कैटरपिलर और उसके अडल्ट को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर वाजे डिफरेंस मौजूद होता है। इस डिफरेंस की वजह से इनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जा सकता है अगर जो टैक्सोनॉमिस्ट है उसके पास डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इस किस्म की जो वेरिएशंस होती हैं ये एज वेरिएशंस कहलाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सीजंस के अंदर वेरिएशन होती हैं। फॉर एग्जांपल, समर के अंदर उनका कलर पैटर्न और हो सकता है, विंटर के अंदर उनका कलर पैटर्न और है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आर्टिक और सब आर्टिक बर्ड्स की बात करें तो इन बर्ड्स के अंदर विंटर के अंदर इनका जो कलर है, इनका प्लूमेज का जो कलर है उसके अंदर वाजे तौर पर वाइट कलर मौजूद होता है, लेकिन अगर इनको हम समर के अंदर देखें तो समर के अंदर इनका जो नॉर्मल कलर पैटर्न है वो हमें नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर रॉक टर्मिजेरियन, इसके अंदर
समर के अंदर ग्रे और ब्राउन पार्ट वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इसी बर्ड को जब विंटर के अंदर देखा जाए तो विंटर के अंदर इसके ऊपर वाइट प्लूमेज मौजूद होता है। तो ये सीजनल वेरिएशन की एक एग्जांपल है।